हमें हर सवाल का जवाब चाहिए बस। हम सच्चाई जाने बिना नहीं रहेंगे। अगर मैं फंसा ना तो मैं सबको फंसाऊंगा, देख लेना। सालिम, सिट डाउन। आप लोग भेड़ बकरी की तरह मे करते रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। पहले हमें अपनी टीम तैयार करनी है, तभी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। ये कौन है? हमें किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरना है। अरे पीछे हट। सुनो भाई, पहले एक काम करो, जिसने हमें दंगा किया है उससे निपटने का इंतजाम करो। पैसा लेकर, रिश्वत लेकर काम करने वाले हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ? उन सब का लिस्ट मैंने तैयार कर दिया है, ये लो इसे देख लो। गुड। अब मैं अध्यक्ष का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। अब हमें राजनीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो शख्स जो आज तक किसी से भी नहीं डरा, एक ऐसा जाबाज नेता और दिल्ली का शेर, मेरे बड़े भाई, हम सब के भाई अप्पा राव। अप्पा राव जी जिंदाबाद। अप्पा राव जी जिंदाबाद। अप्पा राव जी जिंदाबाद। अप्पा राव जी जिंदाबाद। बंगापति विजय, बसा भैया, बंगार राजू, लक्ष्मण, अनिल मेनन। सर, देश के नामी चोरों में आपका नाम भी गिना जा रहा है, जाइए। संतनपल्ली सावित्री, ये बात सबसे ब्यूटीफुल है वो, यहाँ सबके सब दीवाने हैं उनके। मैडम, हे भंगार राजू, चलो उधर बैठ। डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं सब संभालूंगा। ये है हमारी संगठन। आप यूं ही मुस्कुराहट बिखेरते रहो, आपको डरने की जरूरत नहीं। हम लक्ष्मण जी है, रिटायर्ड। आपकी तारीफ करूं? अरे भाई, मुझे तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है। सर, हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, लेकिन बूढ़े ठरकियों को देखो, ये सब एक डिजाइन है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे जरा सब्र तो करो यार, मुझे हिसाब कर लेना दो। आप पैसे भेज दीजिए। क्या कहा, 2 रुपए देने? मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। दो रुपए लेकर के घर जा रहे हो? अरे मुझसे 5 रुपए उधार ले रहे हो? बिना पेंदी का लोटा। 2 रुपए का मतलब 2 लाख रुपए। अभी लेकर आओ भाई। बाहर उस लड़के को लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं पता है? हमने मदद मांगी तो तुम भाग रहे हो, घर जाने की बात कर रहे हो। सुनिए सर, कोर्ट ने हमें हमारा डिफेंस तैयार करने के लिए टाइम दिया है, राइट? वो तो है। और अरविंद के सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हैं। फॉर्ज? डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हैं और फिर भी हम लोग फंस गए? उसकी सबमिशन से पहले हम उसके खिलाफ केस फाइल कर देंगे, 147 केसेस। फिर हम बाहर रहेंगे और इस केस में आगे क्या करना है उसके बारे में आराम से सोच पाएंगे। गुड मॉर्निंग। अरेस्ट वारंट इशू हो गया है? मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा सर। गोपी, तुम यहां से निकल जाओ, ये केस मैं लड़ूंगा और उन्हें सजा दिलवाऊंगा। मुझे अकेले ही लड़ने दो, तब तक मैं बाहर ही रहूंगा। बाहर रहोगे तो मुलाकात कैसे हो पाएगी? टच में रहूंगा सर, कदम उठाया है तो उसे पूरा करके दम लूंगा। अब तक किसी भी बेटी ने अपने बाप की ऐसी दुर्दशा नहीं की होगी। मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। अगर तुम हमें पहले बता देती तो हम कम से कम ऐसा होगा मुझे पता था क्या? लेकिन जो कुछ भी हुआ सही हुआ। क्यों री, तुझे मजा आ रहा है? तुम सब जो 2 वक्त का खाना खाती हो और ये जो कपड़े तूने पहन रखे हैं, ये सब इनकी मेहनत की कमाई से आए हैं। रिश्वत के पैसों से आया है, मेहनत की कमाई से नहीं। रिश्वत की कमाई से पली हूँ ये सोचकर मुझे शर्म आती है। तेरी जबान खींच दूंगी मैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। डर नहीं लगता तुझे? मैं किसी से क्यों डरूं? ना ही ये घर घर जैसा है और ना ही पिता पिता जैसे हैं। मिलिट्री कैंप लगता है ये। डैडी के सामने हंस नहीं सकते, उनके सामने बोल नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते अपनी मर्जी से। ऑफिस की परेशानी ऑफिस में ही छोड़ कर आनी चाहिए, लेकिन वहाँ का सारा गुस्सा हम लोगों पर उतारा जाता है। हो सकता है आप अपने पति से डरती हो, पर मैं नहीं डरती। बस अब बहुत हो गया, तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। चल जा, अभी इसी वक्त निकल जा यहाँ से। मुझे पता था ये बहस यहीं पर खत्म होगी। कोई बात नहीं, मैं अनाथों की तरह जी लूंगी। ये लीजिए, आपके पति की मेहनत की कमाई का। दीदी, हम भी साथ चलेंगे। अब 2 ही रास्ते हैं। पहला, वो अरविंद शिवशंकर जिंदा नहीं रहना चाहिए, या दूसरा, जिस आदमी को उसने जन्म दिया है उसी के जैसा हम शक्ल हमें ढूंढना होगा। दूसरा रास्ता सही है, उस पर अमल करो। पर करेंगे कैसे? सोचे तो एक रास्ता है। अच्छा, क्या रास्ता है बताइए ना, मैं सुनूंगा। ए डॉक्टर साहब, वहाँ जाकर बैठो ना। आप नहीं बैठ सकते? अरे क्या? भाई, मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करनी है, चलो जाओ यहाँ से। अरे जाओ ना, मैं मीटिंग ही छोड़कर जा रहा हूँ, जल्दी जाओ। हाँ तो सावित्री जी, क्या रास्ता है? नर्क का रास्ता है। अरे तुम्हारे लिए वही रास्ता सबसे अच्छा है। हाँ तो आप बताओ। कोर्ट में उसने सारे एविडेंस सबमिट किए तो होंगे, उसकी डिटेल्स हमें हासिल करनी होगी। उसमें उस शख्स की फोटो आइडेंटिटी होगी, जिस फेक इंसान को उसने पेपर तक सीमित रखा हुआ है। हम उस इंसान को अस्तित्व देकर कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पेश करने से ये केस सॉल्व कैसे होगा? उसके पास हमारे ऑडियो वीडियो प्रूफ जो मौजूद है भाई,
हमारे देश में ऐसे सबूत साबित होने में बरसों लग जाते हैं। नो प्रॉब्लम, तब तक हमें से कितने ऊपर चले जाएंगे। हम कोशिश तो कर रहे हैं उसका हमशिकल ढूंढ पाएं। जितना जल्दी मिल जाएगा इस परेशानी से उतनी जल्दी छुटकारा पाएंगे। और उसके बाद हम लोग उसका वीडियो बनाकर अपना खेल खेलेंगे। किसी भी तरह इस केस को खत्म करना है। हाँ, खत्म करना है। बिल्कुल। अपराव जी, वो जज जरूरत से ज्यादा ईमानदार है, बात नहीं बनी। हर आदमी की एक सही कीमत होती है, वो भी बिकेगा। इसमें खर्चा बहुत आएगा, चलेगा? खर्चे की तुम फिक्र मत करो, हमारा काम होना चाहिए बस। हरिचंद्रा, उसकी शक्ल के लिए उसका आईडी प्रूफ देखो। ये तो उसी की फोटो है सर, मॉडिफाइड किया हुआ लगता है। इस फोटो से बिल्कुल मिलता जुलता कोई हमशक्ल ढूंढना होगा। इतना क्या सोच रहे हैं, एक ही शक्ल के सात इंसान होते हैं। गवर्नमेंट डेटा में एक तो जरूर मिल जाएगा, बस हमें थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। सर, आपको जो मैंने फोटो भेजा था उसका कोई हमशक्ल मिला क्या? हमारी थोड़ी हेल्प कर दो ना सर। कहाँ रहता है वो? तमिलनाडु में, कुंबे गांव में। उसका नाम? महेश कनन। ऑपरेशन टैग, अपनी टीम तमिलनाडु गई है, उस हीरो से मिलने। यस। महेश कन्नन जी यही रहते? आप कौन? अरिवानंदन। बंगा राजू। भाषा भैया। अनिल मेनन। अलग अलग आए हो या एक साथ आए हो? हम सब एक साथ ही उनसे मिलने आए हैं। यहाँ सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए एक हो गए हैं। यही तो नेशनल इंटीग्रेशन है। चोर चोर मौसेरे भाई। पुरानी कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पहली बार देख रही हूँ कि शहरी लोगों की मौत आई है तो वो गांव की तरफ भाग रहे हैं। तुम लोगों की तारीफ कर रही है। और आपकी भी। बस करो, तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ, आप महेश कनन की क्या लगती है? दूर की रिश्तेदार। ओहो, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माजी माजी, महेश कनन आपका वैसे लगता क्या है? यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं महेश की दूर की रिश्तेदार हैं, समझा टकले? आप भी दूर की रिश्तेदार। ए, चल बोल। को क्या करना है बाद में डिसाइड करूंगा। अंदर भाई है, पहले उनसे पूछता हूं। भाई, ए, कहां जा रही है तू? पहले मुझे टेलरिंग क्लास जाना है, फिर वहां से मुझे सब्जियां खरीदनी है और फिर केमिस्ट से दवाइयां लानी है। ठीक है, जा। लग जा। ए, मेरी बहनों। चल जा। महेश। जैस्मिन। महेश, तू अचानक क्यों आ गई? वो बहुत ही गंदा है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे आपन जिंदा है ना, हंसते खेलते रहने का, रोने का नहीं। आजा 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 मेरा प्यारा बच्चा। इसको फिर किसने मना कर दिया? अरे तू जाना है। गोपियों के बीच का नहीं है, बहुत हो गया। वो नोट देने वाले आदमी से अपने को मिलने गया, भेज दो उसे। सर, हमारी टीम ने। अरे क्या हुआ, उसे लाने के लिए गए थे और तुम लोग खाली हाथ आ गए? लाते क्या, उसने हमें भगा दिया सर। लेकिन ऐसा क्यों? वो सब लोगों से मिलना चाहता है। तुम लोग बात करके उसे मना नहीं सकते थे? कोशिश तो बहुत की सर। किससे बात करते, वो अकेला नहीं था, अंदर कोई और भी था जिसका वो ऑर्डर मानता। अरे अंदर वाले से भी तो तुम लोग मिल सकते थे ना। उसने कहा तुम्हारे गुरुजी से मिलना है। सारा काम गुरु करेगा तो चेला क्या करेगा? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ये तो गोपियों को निहार रहे थे वहाँ। वो क्या है कि मैं तो बस यूं ही। स्टॉप प्लेइंग, बी सीरियस, उसे पहले यहाँ लाने का इंतजाम करो। हेलो। ठीक है, और क्या होगा? अपने आप को बचाने के लिए तमिलनाडु जाना पड़ रहा है। मैं भी चलूंगा। पागल हो गए हो? सिचुएशन अभी भी सुधरी नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो तुम्हें ना जानता हो, निकलोगे तो फंस जाओगे। मैं चलूंगा, क्या होता है मैं भी देखूंगा, उसे यहाँ पहुंचने नहीं दूंगा। मिस्टर क्रेन, तुम में तो सबसे ज्यादा गंदगी है।
ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने आईना दिखाया तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैंने 5 रुपए खाया है तो तूने 50,000 खाया है, पॉकेट दोनों ने भरे। आप यहाँ क्या बैठकर सोच रहे हैं? आपको फांसी होगी या उम्र के जिसके बारे में क्या? पहले ही मैं इतना परेशान हूँ यार, ऊपर से ये बकवास किया जा रहा है। सब कुछ डिजाइन में है, मैं क्या कर सकता हूँ? उसका नाम महेश कन्नन है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले वहाँ सिर्फ एक ही मकसद लेकर गए हैं, किसी भी तरह से कन्विंस करके कन्नन को यहाँ ले आए ताकि वो उसे कोर्ट में पेश कर सके। लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाता है और राइट में घुस करके गायब हो जाता है। तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा। यहाँ पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है, सो बी केयरफुल। तमिलनाडु के बॉर्डर पर पहुंचते ही तुम्हें वहां एक एम्बुलेंस मिलेगी, तुम उसमें ट्रेवल करना। ओके। ये क्या है, वो इस तरह क्यों सबको घूर रहा है? वो सबके दिल में देख रहा है कितनी बेईमानी भरी है। बहुत ही भयानक है। आप इस तरह घूर कर देखोगे तो हर कोई आपको भयानक ही दिखेगा। जाजा। हेलो। यहाँ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। टाइम पास बहुत हुआ, ये बता तेरी डील क्या है? अपन कोई फैसला नहीं लेता, अंदर आपन से भी बड़े हैं। उनसे पूछ के बताता हूँ। भाई अंदर शायद भला आदमी है, उनसे बात करने का एक मौका मिल गया तो समझो काम हो गया। लेकिन वो मिलने देगा तब ना? वो आ गया। पर हेड 10 लाख रुपया, कल मिलाकर 147 लोग हैं, सबका मिलाकर 14.7 करोड़, कौन देगा बोलो? ये कैसी बातें कर रहे हो? पैसा हमारे साथ में सीधा है क्या? इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे। एक तुम शोर मचा रहे हो, मैं हूँ ना। अरे बैठो तुम लोग चुपचाप शांति से। मैं हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। जिसने ज्यादा लिया है वो कम वालों के पैसे देकर एडजस्ट करेगा। अरे तुम लोग इस मीटिंग को भी विधानसभा बना कर रखे हो। तुम क्या फाइनल डिसीजन बता दो। ठीक है ठीक है। हाँ तो सुनो, ये बात सबको मंजूर होनी चाहिए। आपके कहने से हो जाए क्या? क्या हमें मंजूर है? देगा मुझे? नेक्स्ट क्या है बताओ? बताता हूँ। भंगा राजू जी, कर्नल शेखर नाम का एक आदमी आपको फोन करेगा, उनके बताए हुए आदमी के नाम से डीडी तैयार करके भेजना है। उसके बाद ना ही आप उस शख्स को फोन करेंगे, ना ही आप उसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आया है। ठीक है, ठीक है। अनिल भैया, देवानंदपुरम से कुंजप्पा आपको फोन करेगा, वो जो नाम बताएगा उस नाम पर आपको 2 करोड़ का डीडी बनाने का है, समझे? हाँ ठीक है। डॉक्टर हरिबानंदन, मदुराई से एक फोन आएगा, उनके नाम से तुम्हें 2 करोड़ का डीडी देना है। डीडी में बैंक मैनेजर का साइन चाहिए, अपना साइन मत करना। बंगार साहब, मैसूर से एक फोन आएगा, उनके नाम का भी तुम्हें 2 करोड़ का डीडी बनाकर रखने का है, चुपचाप से। अपर आओ, बैलेंस 6.7 करोड़, उसमें 4 करोड़ का डीडी किसके नाम पे बनाने का है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाकी जो बचेगा वो सब एक साथ मुझे कैश में चाहिए, ब्लैक सूटकेस में, लेकिन ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक सूटकेस में। मेरे प्यार।